दोस्तों ईवी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते डेढ़ से वीटी न्यूज एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो है रिवोल्ट कंपनी के द्वारा। रिवोल्ट कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में एक और इलेक्ट्रिक बाइक ऐड कर दी। अभी तक वो रिवोल्ट की RV 400 ही सेल कर रहे थे, बट राइट नाउ रिवोल्ट की RV 1 करके एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो चुकी है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 84,990। प्राइसिंग देखिए समझ में आ रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक की बाइक को टक्कर देने के हिसाब से बनाया गया। बट द थिंग इज दैट यार, ओला से बहुत सारे फीचर्स कम दिए गए। बट थिंग इज दैट यार, इस प्राइस पॉइंट में अभी के टाइम में आपको मिलता है 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक रिवोल्ट RV 1 में, जिसमें आपको ID सीरीज निकल के आता है 100 किलोमीटर, बट एक्चुअल में 70-60 के बीच में आपको यहां पर रेंज मिलेगी। एंड जो सेकंड मॉडल है RV 1 प्लस, जिसमें आपको 3.24 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलती है, एंड उसमें आपको रेंज मिलती है 160 किलोमीटर की, बट अगेन वही 100-110 किलोमीटर की रेंज मिलेगी उस वेरियंट में। प्राइसिंग 84,990 है RV 1 का एंड 99,990 RV 1 प्लस का। अगर आपको इस गाड़ी को बुक करना तो आप कर सकते हैं, टेस्ट राइड लेना तो वो भी ले सकते हैं। लुक वाइज देखा जाए तो यस, थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल है इसका फ्रंट एंड, क्योंकि यहाँ पर राउंड हेडलाइट दिया गया और यहाँ पे आपको 6 इंच का नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, कोई LCD स्क्रीन नहीं है। बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बट हाँ लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 250 kg, जो कि अगेन बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर बाइक, क्योंकि अदर बाइक्स की होती है 150-180, बट इसमें 250 है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो है BYD के द्वारा। BYD भाई इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स तो सेल कर ही रहा है, फोर व्हीलर तो सेल कर ही रहा है, बट कंपनी ने रिसेंटली एक पैटेंट को रजिस्टर्ड कराया है। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे काम कर रहे हैं, जिसका डिजाइन थोड़ा सा मैक्सी स्कूटर टाइप होने वाला है, एंड यहाँ पे जो बैटरी वो 11-15 किलोवाट आवर के लगभग होने वाली है, एंड इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा बेटर होने वाला है। बट ये अभी पैटेंट में है, ये अभी बनी नहीं, अभी बनने में टाइम है, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको 1 या 2 इयर्स पे आपको BYD की इलेक्ट्रिक स्कूटर भी इंडिया में देखने मिला है। बट द थिंग इज दैट BYD की गाड़ियां थोड़ी सी महंगी आती है, क्योंकि डायरेक्ट CKD के थ्रू आती है, मतलब डायरेक्ट वहीं पे बिल्ड होते हैं और यहां पे आ जाती है, इस कारण से थोड़ी सी गाड़ी महंगी होती। लेट्स सी अगर ये आती है तो किस प्राइस पॉइंट में आगे, एटलीस्ट वो फोर व्हीलर से अब टू व्हीलर की तरफ भी आ रहे हैं, मतलब उस पोर्टफोलियो में भी वो एंटर करना वाले हैं आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, वो Hyundai की तरफ से एक्स्टर। हमें पता है आज फोर व्हीलर्स के थोड़े से न्यूज है एंड टू व्हीलर्स की न्यूज थोड़े से कम चल रहे हैं, बट फिर भी जो एक्स्टर है, जो कि IC इंजन में काफी अच्छी फेमस है, अच्छी खासी इसकी डिमांड है, पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी है, तो कंपनी इस पॉपुलैरिटी को और आगे बढ़ाने के लिए अब इसका EV वेरिएंट बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। जैसे टाटा ने क्या किया है, पंच EV लेकर आ चुका है, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, उनके पास EV वेरिएंट आ चुका है टाटा पंच का, तो Hyundai जैसी कंपनी पीछे कैसे रहे। तो Hyundai भी अब EV में एक्स्टर को लाने वाले है, एक्स्टर EV नाम से। अब ये देखते है कब तक आती है, हो सकता है बैकहेंड में काम चल रहा, क्योंकि Hyundai ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है और वो सेल भी कर रहा है, तो उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी एक्स्टर का EV बनाना, बहुत इजी होगा, वो इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली। वैसे भी एक्स्टर को स्पाई किया गया है कैमोफ्लेज में, बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक है या IC इंजन, वो तो देखो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, वो है मारुति सुजुकी की। वेल, मारुति सुजुकी अब एस्टैब्लिश करने वाला है 25 EV चार्जिंग स्टेशन। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत जल्द अपनी SUV जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है उसको लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है EVX। अब इनकी ये जो गाड़ी है, ये जितने भी इंडिया में शोरूम है वहां पे तो जाएगी, क्योंकि वो सेल करेंगे, तो वहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जैसे MG के इसमें देखने को मिलता है, MG के जो शोरूम से वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए, अगर आप मर्सिडीज में जाते तो वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए, तो सेम चीज आप मारुति भी क्या करने वाली, जो इनके 51,000 सर्विस सेंटर है वहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली है। इसके लिए डिफरेंट जगह बात चल रही है, आने वाले समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशन खासकर मारुति की तरफ सबको उनके सर्विस सेंटर पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो सिंपल एनर्जी की। हालांकि कंपनी बहुत पीछे चल रही है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो फुल्ली डिटेल में बना चुका, बट आपको यहाँ पर संक्षेप में बता देता हूँ। सिंपल एनर्जी धीरे धीरे करके ट्रैक पे आ रही है, डिलीवरी वो करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी के टाइम में सिर्फ 5 जगह पे एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर चुके हैं, 2 बेंगलुरु में, 1 विजयवाड़ा में, 1 गोवा में और 1 JP नगर में। तो टोटल ये 5 जगह पे इनका एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हो चुका है, जहां पे आप गाड़ी का टेस्ट राइड ले सकते हैं, गाड़ी डिलीवरी ले सकते हैं, वहां पे बुक भी करा सकते हैं। अभी के टाइम में 2 गाड़ियां सेल करें, सिंपल .1 और सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, बट अगेन .1 इज इन बजट 1,40,490
₹99, ये थोड़ा बजट इकोनॉमिकल है तो आप इसके तरफ जा सकते हैं और ले सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे करके ये एक्सपीरियंस सेंटर और भी ओपन करने वाला है। अभी फर्स्ट स्टेज में इनका टोटल 6 था बट अभी तक वो 5 लगा चुके अंडर 1 मंथ। तो देख सकते हो यार सिंपल एनर्जी भी धीरे धीरे आ रही है मार्केट में, बट बहुत धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा और तेज आती तो मजा आता। बट थिंग इज दैट फंडिंग भी एक चीज है यार, क्योंकि शोरूम्स को ओपन करना भी टास्क होता है, डेवलपमेंट भी करना पड़ता है गाड़ियों का, जितनी उनके पास रिक्वायरमेंट आती है उतनी उनको डेवलप करके ऑन टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग जो ऑपरेशनली चल रहा है उनके बैकहेंड में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं MG की विंडसर ईवी। जी हाँ, ये जो गाड़ी है कुछ समय पहले लॉन्च हुई है और इस गाड़ी का जो एक प्राइस बोलते हैं ना बेस वेरिएंट 9.99 लाख रुपीज, जिसमें BAAS है, बैटरी तो कंपनी दे रही है लेकिन वो बैटरी आपकी नहीं है, क्योंकि जो बैटरी है बैटरी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। अगर 9.99 लाख रुपीज की अगर आप ये विंडसर ईवी लेते हैं तो इसमें सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम है। बेसिकली क्या है कि आपको पर किलोमीटर आपको 3.5 रुपीज देना पड़ेगा MG वाले को। इससे अच्छा है कि भैया दूसरे वेरिएंट देखा जाए। तो कंपनी ने फाइनली जितने भी वेरिएंट्स है सबके प्राइस रिवील कर दी है। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, एक आता है एक्साइट एक्सक्लूसिव एंड एसेंस। तो देखो बेस वेरिएंट जो एक्साइट है उसका प्राइस आ चुका है 13,49,800 रुपीज, एक्सक्लूसिव जो मिड वेरिएंट है उसका प्राइस है 14,49,800 रुपीज और जो टॉप स्पेक्स है एसेंस उसका है 15,49,800 रुपीज। इसमें 38 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है। यहाँ पे सिंगल PMSM मोटर दिया गया जिससे आपको 136 HP का पावर आउटपुट एंड 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। क्लेम रेंज है 331 किलोमीटर, 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन और 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये दोनों अलग अलग चीजें, एक तो ड्राइवर का जो सामने होता है वो और एक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम। और वैसे भी भाई यहाँ पे बहुत स्पेस है इस गाड़ी में, सच बता तो बहुत ज्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। लोगों को पसंद आ रही है बट प्राइस थोड़ा सा है हायर साइड, बट फिर भी लोग इसको ले सकते, इजीली ले सकते, रेंज भी ठीक ठाक इस गाड़ी में प्रोवाइड की जा रही है। प्लस यहाँ पे आपको 18 इंच के व्हील्स भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते भैया, BYD कंपनी अपनी एक और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा E-MAX 7 और ये लॉन्च होने वाली 8 अक्टूबर को। भाई BYD तो देखो क्वालिटी तो प्रोवाइड कर रहा बट बहुत सारे भर भर के फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ये तो लॉन्च हो रही है तो समझ रहे हो ना भाई इंडिया में, देखते कब तक आती है। बट भाई BYD की गाड़ियां मैंने भी देखी, भाई क्वालिटी तो है, क्वालिटी तो नहीं मतलब बोल सकते हो डिजाइन वाइज फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाइज लगती है BYD की गाड़ियां। आप लोगों को कैसे लगते है जरूर कमेंट करके बताना। एंड द लास्ट न्यूज फ्रॉम द ओला की रोस्टर बाइक को बैंगलोर के रोडों पे स्पाई किया गया है। वैसे तो मैंने सोचा था रोस्टर एक्स पहले स्पाई होगी बट रोस्टर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रोस्टर एक्स है उसकी डिलीवरी जनवरी से स्टार्ट होने वाली है और जो रोस्टर है उसकी मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाली है। बट मेरे को लगा रोस्टर एक्स पहले दिखेगी बट रोस्टर पहले दिख गई। थिंग इज दैट बस 3 महीने और 3 महीने के बाद आपको ओला की बाइक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, लोगों को काफी पसंद आ रही है एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आ रही है। तो दोस्तों आज के ईवी संडे न्यूज़ में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।